जफर का जो पूरा प्लॉट है राजा बनने का, और जैसे वो लोगों से डील कर रहा है, जैसे किंग से डील कर रहा है और शहजादी से कर रहा है, तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। तो वो बिलीव करता है यार, अगर अभी के लिए हमें 1 रुपया खर्च करके आगे 100 रुपये बचाने से मतलब है और सेंसिबिलिटी है, तो वो वैसी चीज़ें करने में बिलीव करता है। उस वक्त यह है कि अगर उमर उसे मार देगा बादशाह को, तो वो पकड़ा जाएगा और ये बात दरबार के अंदर ही रह जाएगी, दुनिया को पता नहीं चलेगा। क्योंकि बाहर जाके आप कितने लोगों, जैसे अगर मैंने आपसे कुछ कहा, आप 5 लोगों को बोलोगे, और जब ये यूनिवर्सल न्यूज़ हो जाती है और करोड़ों की तादाद में पता चल जाता है कि हाँ ये सच है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो वो उस साइकी पे खेल रहा है। हाँ, जैसे वो बम्बैया ज़मान में कहते हैं ना कि जीनी ने जफर से टकरा के अपनी खुजा ली, तो वही हुआ है। और अब वो जब उसका सामना जब भी जफर से होगा, तो उसकी खुजली ज़रूर मिटाएगा जफर। जी बिल्कुल, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि हाँ हो पाएगी तो शो ख़त्म हो जाएगा, है ना, और शो मैं चाहता नहीं हूँ कि एटलीस्ट 4-5 साल के पहले ख़त्म ना हो। तो नहीं, नहीं हो पाएगी। ज़फ़र से ऐसे ही मोहब्बत करते रहिए, क्योंकि ज़फ़र को अपने काम से और अपने इस बुरेपन से बहुत मोहब्बत है। तो जब तक आप ऐसी मोहब्बत करते रहेंगे, तो ज़फ़र भी अपना अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू, लव यू गाइस।